दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। दिल्ली की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद मंगलवार को नए मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान हो गया है। दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। आतिशी को विधायक दल का नया नेता चुना गया है, यानी अब दिल्ली की सत्ता इनके हाथ में होगी। कालका जी से विधायक आतिशी का निजी और राजनीतिक जीवन बेहद शानदार रहा है। दिल्ली और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आतिशी ने एक टीचर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद वे एनजीओ के साथ जुड़ गई। हालांकि साल 2013 में वे नौकरी छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। संपत्ति के मामले में देखें तो आतिशी अरविंद केजरीवाल से पीछे है। सालों तक नौकरी करने और राजनीति में आने के बाद भी आतिशी के पास 1,41,00,000 रुपए की संपत्ति है। नेशनल इलेक्शन वॉच की साइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार आतिशी के पास कैश के तौर पर सिर्फ 20,000 रुपए हैं, जबकि बैंक और अन्य फाइनेंशियल फर्म में 1.41 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट है। हालांकि इसमें उनके पति की इनकम भी शामिल है। आतिशी के पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, लेकिन उनके पास न तो खुद का घर है और न ही उनके नाम पर कोई जमीन है। आतिशी या केजरीवाल, कौन ज्यादा अमीर? आइए अब जानते हैं कि आतिशी और केजरीवाल की संपत्ति में कितना अंतर है और इनके पास क्या क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली की नई सीएम चुनी गई आतिशी की संपत्ति के बारे में। तो बता दें कि साल 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कालकाजी साउथ से जीत दर्ज करने वाली आतिशी के पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। MyNeta.com पर मौजूद एफिडेविट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति 1.41 करोड़ रुपए बताई थी। वही अरविंद केजरीवाल की ओर से दिए गए हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ 2020 में 3.44 करोड़ रुपए बताई गई थी। रिपोर्ट्स में पता चलता है कि आतिशी ने शेयर बाजार से दूरी बनाए रखी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का SBI म्यूचुअल फंड में 15,00,000 रुपए का निवेश है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। केजरीवाल के पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, जबकि आतिशी के पास 5,00,000 रुपए की LIC पॉलिसी है। इसके अलावा दोनों ने ही नेशनल सेविंग स्कीम यानी कि NSS पोस्टल सेविंग में भी कोई पैसा नहीं लगाया है। अब बात कर लेते हैं अचल संपत्ति के बारे में। तो चुनावी हलफनामे के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के पास 2 नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, जिनमें एक की कीमत 1.4 करोड़ रुपए जबकि दूसरे की कीमत 37,00,000 रुपए बताई गई है। इसके अलावा सुनीता केजरीवाल के नाम पर हरियाणा के गुरुग्राम में 2244 स्क्वायर फीट का एक घर है, जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए बताई गई थी। इसकी तुलना में नई मुख्यमंत्री बनी आतिशी की अचल संपत्ति की बात करें तो उनके नाम पर किसी भी तरह का कोई घर या जमीन नहीं है। हैरान करने वाली बात है कि आतिशी के पास न कोई कार, ज्वेलरी और न ही अन्य तरह की संपत्ति है। उन्होंने किसी बैंक से लोन भी नहीं लिया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी में आतिशी एकमात्र मजबूत महिला नेत्री हैं। दिल्ली शराब घोटाले केस में जब CM अरविंद केजरीवाल और डिप्टी CM मनीष सिसोदिया जेल में थे, उस वक्त आतिशी ने ही पार्टी की कमान संभाली और बुरे वक्त में कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाया।